आने वाली 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा के जींद में बदलाव सभा करने जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान भी हिस्सा लेंगे। सभा को कामयाब बनाने के लिए पार्टी प्रदेश भर में बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी आम आदमी पार्टी ने एक अहम बैठक की, जिसमें राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और अनुराग ढाणा शामिल हुए। इस मौके पर सुशील गुप्ता और संदीप पाठक ने क्या कहा, सुनिए। हमने बदलाव यात्रा की थी, अब बदलाव रैली कर रहे हैं 28 जनवरी को जींद में। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी आ रहे हैं आज अंबाला लोकसभा में। इस बदलाव के लिए जितना भी भ्रष्टाचार है, दुराचार है, सब को बदलने के लिए, अच्छी शिक्षा संस्थाओं के लिए, अच्छी चिकित्सा संस्थाओं के लिए, ये बदलाव यात्रा का न्योता देने के लिए आज हमारे संदीप पाठक जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी आए हैं और हरियाणा का सारा नेतृत्व आज अंबाला लोकसभा के अंदर आया। कितना तैयारी है 2024 को लेकर? 2024 को लेकर पूरी तैयारी है, पूरा बदलाव हरियाणा के अंदर होगा। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत। इंडिया गठबंधन के अंदर कितनी सीटों की डिमांड? ये तो कमेटी का काम है, अभी समय लगेगा। हमारी बदलाव यात्रा हुई पूरे हरियाणा में सारे विधानसभाओं से, और बदलाव यात्रा के बाद अब बदलाव सभा है जो कि जींद में है 28 तारीख को, तो उसी से संबंधित है ये तैयारी बैठक। तो 2024 का कहीं ना कहीं शंखनाद होगा ये बदलाव यात्रा, बदलाव जो समाज निश्चित रूप से, और बहुत पहले से शुरू हो गया है बदलाव यात्रा, उसी की शुरुआत थी, फिर बदलाव सभा होगी, फिर बाकी के कार्यक्रम होंगे। पार्टी में सर कुछ चेंजेस हुए हरियाणा में, कुछ लीडर्स छोड़ कर गए, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना से चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाएगा पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी एक संघर्ष है पूरी तरीके से, इसमें जो जो इस संघर्ष को झेल पाएंगे, सह सकेंगे, वो आगे चलेंगे। कुछ साथी आते हैं, कुछ जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है, पार्टी चलती रहती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। फर्क क्यों पड़ेगा, हम एक आइडियोलॉजी, एक सिद्धांत और जनता के लिए स्कूल हॉस्पिटल बनाने के मुहिम को लेकर निकले। जिनको जिनको हमारी इस भावना से सहयोग करने की इच्छा होगी वो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पार्टी में लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास पदाधिकारी है, 2-4 आएंगे, 2-4 जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ना। 24 के लिए कितने तैयार है, क्या कुछ मुद्दे लेकर पार्टी जो है उतरने वाली है? मुद्दे तो, मेन मुद्दे तो हमारे वही है, हमारी पूरी राजनीति ही उस पर आश्रित है कि हम इस देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उसके लिए सभी राज्यों को नंबर 1 बनाना पड़ेगा, और राज्यों को नंबर 1 बनाने के लिए आम आदमी का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा अच्छा पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने, गरीबों के जेब में 4 पैसे पड़े, बेरोजगारों को रोजगार मिले। किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार ने की है, किसानों को उनकी दुर्दशा से उबारना पड़ेगा। हमारा विजन यही है और हमारी पूरी राजनीति यही है। अब देखना होगा कि 28 जनवरी को आपकी बदलाव सभा कितनी सफल हो पाती है। हालांकि आप नेताओं का कहना है कि इस सभा में हर गांव से जनता आपको समर्थन देने पहुंचेगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।